अधिगम, ठीक है, लर्निंग, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। और थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर हम कौन सी कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, बोलो, संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानवादी सिद्धांत मतलब कॉग्नेटिव्स, ठीक है, थ्योरी। और कॉग्नेटिव थ्योरी के अंदर 5 थ्योरी पढ़नी है, और पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर 1, मैंने कहा समग्रवाद, ठीक है, का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, बोलो, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लियर। अब ये क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्लियर। तो आप बस 20 मिनट इधर ध्यान देना, हर चीज इसका हर फंडा क्लियर कर दूंगा, और 1% माइंड में कंफ्यूजिंग नहीं होगी, क्योंकि इस थ्योरी में क्या है, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि कब मुझे मैक्स वर्थिमर करना है, कब मुझे कोहलर करना है, कब मुझे कॉप का करना है, क्योंकि 3 साइकोलॉजिस्ट का रोल है। बोलो, बात समझ में? तो हमें वही फंडा क्लियर करना है। थ्योरी का नाम क्या है, समग्रवाद का सिद्धांत, क्लियर। बोलो, संज्ञानवादी हो, निर्मितवादी हो, इन थ्योरियों के नाम ज्यादा नहीं है, 2-3 है, तो इनमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक की जरूरत पड़ती है व्यवहारवादियों में, क्लियर। तो इनमें तो क्या है, हमें समझने की जरूरत है। तो तरीका वही, नंबर 1, पहला पॉइंट, बोलो, आपको मैं पूछू प्रतिपादक, ठीक है, प्रतिपादक मतलब थ्योरी गिवन बाय किसने दी है, तो मैक्स वर्थिमर, किसने दी है, बोलो, मैक्स वर्थिमर, क्लियर। और मैक्स वर्थिमर कहाँ का निवासी है, जर्मनी, बोलो, कहाँ का निवासी है, बोलो, जर्मनी का, क्लियर, बोलो, जर्मनी का ये रहने वाला, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, क्या है, बोलो, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, क्लियर। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं, हुआ क्या कि मैक्स वर्थिमर ने, बोलो, 1911 में ये थ्योरी दी, कब दी, बोलो, 1911 में, फेमस ही नहीं हुई, बोलो, बात समझ, लोगों ने जाना ही नहीं अच्छे से, क्लियर। लेकिन फिर कौन आया, कोहलर आया, उसने 1916 के अंदर क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, बोलो, बात समझ में, किस पे किया, सुल्तान नामक चिपांजी पर किया, किस पे किया, बोलो, सुल्तान नामक चिपांजी पर किया, किसने किया, कोहलर ने, कब किया, 1916 में। ये एरा क्यों बता रहा हूं, तभी आपको 3 का करेक्टर का आपको पिक्चर में समझ में आएगा, क्लियर। मैंने कहा आपको यहां पर, बोलो, प्रयोग, बोलो, करता, प्रयोग करता किसका, प्रयोग करता गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का, क्लियर। बोलो, मैंने कहा प्रयोग करता मतलब क्या लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट बाय, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो कौन होगा, कोहलर, कब, बोलो, 1916 में, क्लियर, ध्यान से समझना, 1916 में, बोलो, समग्रवाद के सिद्धांत के लिए किसने प्रयोग किया, बोलो, कोहलर ने किया, तो प्रयोगकर्ता कौन होगा, कोहलर। फिर प्रयोगकर्ता लिखा है तो प्रयोग किसमें किया वो भी देखना पड़ेगा, प्रयोग मैंने कहा किया सुल्तान नामक, मैंने कहा चिंपांजी, क्लियर, चिंपांजी एग्जाम में हो, वन मानुष हो, एक ही बात है, क्लियर, चिंपांजी इंग्लिश में है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वन मानुष, क्या बोलते हैं, वन मानुष, क्लियर। तो मेरे कहने मतलब कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोलो कोहलर ने समग्रवाद के सिद्धांत के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया है चिंपांजी में, उसका क्या नाम था, उसका नाम क्या था, बोलो, सुल्तान, क्या था, सुल्तान, क्लियर, बोलो, उसका नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अच्छा, फिर कहां पर प्रयोग किया भाई, तो कोहलर भी जर्मनी का था, तो इसने कहा कोई डिस्टर्ब नहीं कर दे, इसलिए इसने क्या किया, जर्मनी का एक केनारी द्वीप को चूज किया, किसको चूज किया, केनारी द्वीप, द्वीप मतलब आइलैंड, बोलो, बात समझ में, उसको चूज किया कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्लियर। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, प्रयोग प्लेस, बोलो, प्रयोग स्थान, ठीक है, प्रयोग स्थान मतलब समझ जाओगे, बोलो, एक्सपेरिमेंट प्लेस, हर चीज एग्जाम में पूछी जाती है, कहां पर, बोलो, मैंने कहा जर्मनी के, बोलो, के नारी
दीप। क्लियर? आप समझ के बोलो, मैंने कहा केनारी, बोलो केनारी आइलैंड ऑफ, बोलो मैंने कहा जर्मनी। क्लियर? समझ के बोलो। आपको कभी भी पूछा जाए कोहलर ने सुल्तान पर एग्रीमेंट कहा किया, तो बोलो जर्मनी के केनारी द्वीप पर किया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नंबर सिक्स। नंबर सिक्स क्या बता रहा हूं यहाँ पर कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चार स्टेप में किया था। कितने स्टेप में किया था? चार। एग्जाम में पूछा जाता है कि सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलर ने एक्सपेरिमेंट कितने स्टेप में किया, तो कितने स्टेप में किया? चार स्टेप में। और चार स्टेप में एक्सपेरिमेंट दो किए, एक को बोलते स्टिक एक्सपेरिमेंट और एक को बोलते बॉक्स एक्सपेरिमेंट, एक छड़ी प्रयोग और एक बॉक्स प्रयोग। क्लियर? तो क्या लिख रहा हूं बोलो यहाँ पर, कोहलर ने, ठीक है, कोहलर ने बोलो चिंपांजी, ठीक है, पर एक्सपेरिमेंट बोलो चार स्टेप में, चार स्टेप पता समझ के, चार पदों में। क्लियर? पदों में बोलो निम्न बोलो दो एक्सपेरिमेंट बोलो किए, ठीक है, बोलो वो एक्सपेरिमेंट किए। एक को क्या बोलते हैं? स्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बोलो? स्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब छड़ी 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 प्रयोग। क्लियर? और एक को क्या बोलते हैं बोलो? बॉक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बोलो बॉक्स एक्सपेरिमेंट मतलब क्या बोलते हैं? बॉक्स प्रयोग। क्या बोलते हैं बोलो? मैंने कहा यहाँ पर बॉक्स प्रयोग। क्लियर? अच्छा, आपको अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, सेवन बोलो प्रयोग का क्या करने जा रहा हूँ? प्रदर्शन, ठीक है, बोलो प्रयोग प्रदर्शन समझ के, जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? कितनी स्टेप में? चार स्टेप में। तो जैसे किया था वैसे स्टडी करेंगे। नंबर वन क्या किया? एक लंबा चौड़ा इस रूम जितना बड़ा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक, बोलो आपका ये क्या है? घर है। क्लियर? बोलो बात समझ में। इसमें छोड़ दिया किसको? बोलो चिंपांजी को। किसको छोड़ दिया? बोलो मैंने कहा चिंपांजी को। क्लियर? बोलो आपको किसको छोड़ दिया? चिंपांजी को, पूरा बालों से ढका हुआ। बोलो बात समझ। लाइफ में कभी चिंपांजी देखा है? ये मैंने बनाया है। क्लियर? ओके। और इसमें क्या रख दी? बोलो एक छड़ी रख दी। बोलो कितनी छड़ी रखी? एक छड़ी। ओके। और यहाँ पर बाहर क्या रखा? बोलो केलों का गुच्छा। क्लियर? इसको अरे ये बाहर फूल नहीं रखा, क्या रखा? बोलो केलों का गुच्छा, ठीक है, ये बोलो केले। और आपसे मैं इसको सब दिख रहा है केले। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूँ इसने भूख लगी केला लेने की कोशिश करी, यूं हाथ किया केले पौध से दूर थे। अब संज्ञानवादी सिद्धांत क्या कहते हैं? कोहलर ने अचानक दिमाग लगाया, इधर उधर देखा, छड़ी को देखा, छड़ी को हाथ में लिया, केलों को अपनी अप्रोच में लिया और केले खा लिए। ये सिद्धांत क्या कहता है? लर्निंग बाई अंडरस्टैंडिंग। बोलो बात समझ में। मतलब पूरी तरह से सूझबूझ पर लर्निंग डिपेंड करता है। क्लियर? इसीलिए सिद्धांत को सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर दूसरा देखना, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्लियर? बोलो यही वो एक और आपसे मैं को जिसमें कौन है? चिंपांजी। क्लियर? ओके। और इस बार इसने क्या किया? दो छड़ी रखी। कितनी स्टिक रखी? दो स्टिक रखी। क्लियर? और अगेन केले इस बार क्या रखे? और दूर रखे। क्लियर? बस ये क्या देखना चाह रहा था वो मैं बता रहा हूँ। क्लियर? इस बार क्या हुआ? चिंपांजी को केले खाने थे, एक छड़ी से आया ही नहीं। बोलो अंतर्दृष्टि उत्पन्न करी, इनसाइट बोलो को उत्पन्न किया। अच्छा, दो छड़िया, एक काम करता हूँ दोनों को जोड़ता हूँ और केले को अपनी अप्रोच में लाता हूँ और खा लिया। बोलो बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही? क्या कर रहा है बोलो? क्लियर? मतलब इसीलिए तो इस स्टोरी के दो नाम और होते, एक सूझबूझ का सिद्धांत और एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कैसे नाम निकल के आ रहे? बोलो बात समझ में। और मैंने कहा आपको नंबर थ्री। क्लियर? अब बोलो जगह नहीं है, रूम छोटा कर दो चलेगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, बात समझ में। मतलब कोहलर है, चिंपांजी है तो बड़ा ही होगा। बोलो क्लियर? इस बार क्या किया? बोलो ये चिंपांजी को इसमें छोड़ दिया। क्लियर? और एक अंदर क्या रखा? बॉक्स रखा। क्या रखा?
बॉक्स, ये क्या था बोलो, स्टिक। क्लियर बोलो, मैंने कहा ये तो क्या थी बोलो, छड़ी थी। क्लियर बोलो, एक। और यहाँ पर कितनी थी बोलो, दो स्टिक। क्लियर बोलो, बात समझ में, यहाँ पर कितना है, एक बॉक्स। क्लियर, और केल लटका दिए ऊपर, बोलो बात समझ में। चिंपांजी बोलो क्या देखता है, यू यू किया, केले हाथ में ही नहीं आए बोलो, उसके बाद तुरंत चारों तरफ देखा, दिमाग लगाया, अच्छा ये बॉक्स है। क्लियर, तो मुझे एक बात बताओ, बॉक्स पे खड़ा हुआ, केले के गुच्छे को हाथ पे पकड़ा और खा लिया, बात समझ में। फिर चौथी बार क्या किया, आप समझो चार स्टेप का मतलब समझना। क्लियर बोलो, क्या किया, अगेन ये वाला ही रूम है। क्लियर बोलो, इस बार क्या किए, केले और ऊपर लगा दिए, बोलो बात समझ में आए, केले कहाँ लगा दिए, और ऊपर लगा दिए, बात समझ में। और इस पे कितने बॉक्स रख दिए, दो बॉक्स रख दिया, कितने बॉक्स रखे, दो बॉक्स, और बीच किसको छोड़ दिया बोलो, चिंपांजी को। चिंपांजी ने क्या किया, एक बॉक्स पे खड़ा हुआ, दूर है, दिमाग लगाया, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, देखा चारों तरफ, दो बॉक्स एक पर एक रखा और केले को अप्रोच देके खा लिया। मुझे बताओ, हम भी तो ऐसा ही करते हैं बोलो, क्योंकि हम भी तो चिंपांजी के बड़े भाई है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। आज आप सोचो, जे आप कोई चीज आपके अप्रोच से ऊंची है तो आप एक बार में कोशिश करते नहीं, तो तुरंत इधर उधर नजर घुमाते हो, नहीं घुमाते हो, टेबल कुर्सी कोई भी ऐसी चीज जिस पे आप खड़े हो सको। और समझे समझे बोलो, क्लियर। तो आई थिंक इन एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया बोलो, आपके दो नाम ओ निकल के आए। क्लियर, एक क्या निकल के आया बोलो, मैंने कहा सूझ बूझ का सिद्धांत। क्लियर, और मैंने कहा बोलो, एंड बोलो अंतरदृष्टि, ठीक है, अंतरदृष्टि का सिद्धांत, ठीक है बोलो, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट बोलो मैंने कहा थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर, आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। अच्छा, ये सब कौन कर रहा है, कोहलर, कब कर रहा है, 1916 में। क्लियर, अब कोहलर को पता है मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन दुनिया को अभी भी नहीं पता है, क्लियर, इस थ्योरी के बारे में, इन सब के बारे में बोलो। पिक्चर में आता है कॉप का, कौन आता है बोलो, कॉप का। क्लियर, ये नंबर एट, नंबर एट क्या बता रहा हूं बोलो, मैंने कहा बोलो 1920 में क्या करता है, कॉप का एक किताब लिखता है जिसका नाम रखता है गेस्टाल्ट थ्योरी। बोलो क्या, किताब का टाइटल क्या है, गेस्टाल्ट थ्योरी। क्लियर, और उस किताब के अंदर कोहलर का एक्सपेरिमेंट बोलो मैक्स वर्थिमर का पूरे सिद्धांत का वर्णन करता है। क्लियर, और वो किताब जाती है दुनिया के पास, बोलो बात समझ में, और ये सिद्धांत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो इस थ्योरी के अंदर कोपका का रोल समझ में आया बोलो, तो मैंने कहा 1920 में बोलो, मैंने कहा कोपका, नॉट कॉप था, क्या है बोलो, कोपका, कौन है बोलो, कोपका ने बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ गेस्टाल्ट, बोलो गेस्टाल्ट, मैंने कहा यहाँ पर गेस्टाल्ट बोलो थ्योरी, ठीक है बोलो, गेस्टाल्ट थ्योरी बोलो, आपसे मैं कहूँ बुक, ठीक है बुक दी। क्लियर, कब थी बोलो, 1920 में। सिद्धांत कब दिया गया, 1911 में। इस पर प्रयोग किस पे हुआ, 1916 में, और किताब लिखी गई 1920 में। जो सिद्धांत का नाम देने वाला, सिद्धांत देने वाला कौन है, मैक्स वर्थिमर, प्रयोग करने वाला कौन है, कोहलर, और किताब लिखने वाला कौन है, कोपका। इसलिए अक्सर क्वेश्चन आता है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के सहयोगी है, तो सहयोगी तीनों होंगे, बोलो बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ बुक दी, और आपसे मैं कह रहा हूं इस थ्योरी ठीक है को बोलो क्या किया, पॉपुलर, प्रसिद्ध किया। क्लियर, तो अब हम लिख सकते आते हैं, मैंने कहा बोलो गेस्टाल्ट, ठीक है थ्योरी बोलो के सहयोगी। अगर कभी भी पूछे तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट आएगा, किस किस का आएगा, मैक्स वर्थिमर, क्या आएगा, मैक्स वर्थिमर। क्लियर, फिर कौन आएगा, कोहलर, फिर कौन आएगा, कोपका। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, तीनों होगा। क्लियर, अब आप मेरी बात को समझना, एग्जाम में आए फादर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब जो समग्रवाद का सिद्धांत है उसका जनक कौन है,
तो जनक तो मैक्स वर्थीमर ही होगा। मैंने बात समझ में आए, क्योंकि आइडिया उसका है और थ्योरी उसकी है। क्लियर? तो क्या बता रहा हूं यहां पर, एग्जाम में आया फादर ऑफ गेस्टाल्ट। मैंने कहा आपको गेस्टाल्ट, ठीक है, थ्योरी, बोलो थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? अगर इसका फादर कभी पूछे, फादर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब समग्रवाद का जनक जब भी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, समग्रवाद, बोलो का जनक अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तब तो मैक्स वर्थीमर होगा। आई होप आपके सारे कंफ्यूजिंग दूर हुए होंगे। वापस एक मिनट में देखो मैंने आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। हम बोलो अधिगम के सिद्धांत में संज्ञानवादी स्टार्ट किए, पहला सिद्धांत हमने स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पट सब ने रखा है, बट क्या होता है वह एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटल तभी होगे जब आपको अच्छे से चीजें पता होगी। बोलो ये सिद्धांत में क्या होता है, स्टूडेंट को पता नहीं रहता कब कोहलर आंसर करना है, कब मैक्स वर्थीमर करना है, और कब कॉप का करना और कब तीनों करना है। बोलो बात समझ ना, तो मैंने आपको उसी पॉइंट ऑफ से स्टडी कराया। सबसे पहले थ्योरी दी किसने, बोलो मैक्स वर्थीमर ने। कब थी, 1911 में। यहां मैं ये इरा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से चीज समझ में आएगी। क्लियर? फिर आपसे मेरे को कहां का रहने वाला था, ये जर्मनी का। हर एक थ्योरी में जो साइकोलॉजिस्ट आता है वो कहां का रहने वाला, मैं जरूर बताता हूं। जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। क्या था, बोलो ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट। फिर मैंने आपसे कहा थ्योरी इस तरह दे दी, लेकिन बोलो को एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो बाद में कोहलर ने क्या किया, इसमें एक्सपेरिमेंट किया। तो प्रयोगकर्ता कौन है, एक्सपेरिमेंट बाई किया है, बोलो कोहलर। कब किया, बोलो 1916 में। थ्योरी कब दी थी, 1911 में। क्लियर? और बाद में इसी थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया, कोहलर ने। कोहलर भी कहां का रहने वाला, जर्मनी का। क्लियर? तो मैंने कहा इसने प्रयोग किस पे किया, सुल्तान नामक चिंपांजी पर। चिंपांजी लिखा हुआ हो ऑप्शन में, वन मानस लिखा हुआ एक ही बात है, क्योंकि वन मानस को चिंपांजी कहते हैं। क्लियर? और एग्जाम में पूछते उस चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया प्रयोग किया कहां पर, तो मैंने कहा जर्मनी के केनारी द्वीप पर, केनारी आइलैंड ऑफ आईएस कांस्टेंट, बोलो आइलैंड ऑफ, बोलो जर्मनी। क्लियर? क्योंकि इसने कहा कोई डिस्टर्ब कर देगा, एक बार आइलैंड आइलैंड पे जाता हूं और वहां पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। क्लियर? तो ये प्लेस भी पूछी जाती है। फिर मैंने कहा कोहलर ने चिंपांजी पर, सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट कितनी स्टेप में किया, चार स्टेप में। एग्जाम में पूछा जाता है कितने एक्सपेरिमेंट, बोलो किस टाइप के किए, दो, एक स्टिक एक्सपेरिमेंट और एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने वन प्रयोग प्रदर्शन बताया आपको, कि जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप। पहली स्टेप में क्या किया, एक बहुत बड़ा, बोलो आपसे मेरे को होल मान लो, ग्राउंड मान लो, जिसके अंदर चिंपांजी को छोड़ा। क्लियर? और जिसके बाहर वो नहीं निकल सकता, और उसके अंदर एक स्टिक एक छड़ी छोड़ दी। क्लियर? और केले बाहर रखे जो उसकी अप्रोच से दूर थे। तो चिंपांजी ने क्या किया, बोलो हाथ से लेने की कोशिश की, फिर बोलो अचानक उसने कहा, बोलो दिमाग लगाया, सूझबूझ, इधर उधर नजर घुमाई और क्या देखा, स्टिक, और स्टिक को हाथ से पकड़ा, केले को अप्रोच में लिया और खा लिया। क्लियर? फिर बोलो आपसे कॉलर क्या करता है, सेकंड स्टेप क्या किया, इस बार केले जो है वो और ज्यादा दूरी पर, बोलो आपसे मैं रखे, और अंदर कितनी स्टिक रखी, दो स्टिक रखी। तो बोलो कोहलर ने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग एक स्टिक से बोलो लेने की कोशिश की, नहीं आए, तो फिर उसने क्या देखा, सूझबूझ। मतलब क्या देखना चाह रहा है, कि वास्तव में एक बार ही सूझबूझ लगाता है कि हर बार सूझबूझ लगाता है। बोलो बात समझ में, क्या एक बार ही अंतर्दृष्टि से काम करता है कि हर बार अंतर्दृष्टि से काम करता है। तो इस बार थोड़ा चेंज किया, चेंज क्या किया, स्टिक एक की जगह कितनी रखी, दो, और केले क्या रखे, अप्रोच से और ज्यादा दूर। क्लियर? तो वो क्या देखता, पहले तो वैसे ही करेगा, फिर क्या करेगा, नहीं आएंगे तो फिर अपनी अगेन अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, बोलो बात समझ में, और दोनों स्टिक को कलेक्ट करके और केलों को अप्रोच में लाके खा लेता है। फिर आपसे मैं करूं, उसने तीसरे में क्या किया, बॉक्स प्रयोग, एक बॉक्स रखा और केले इस बार हाइट में अप्रोच में रखे। क्लियर? और बोलो कोल चिंपांजी को, कोहलर बोलो किसको छोड़ दिया, सुल्तान को। क्लियर? पहले तो वो यू ही करेगा, अप्रोच में नहीं आएगा, फिर उसने बोलो अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, चारों तरफ नजर घुमाई और क्या मिला, बोलो उसको बॉक्स, और बॉक्स में खड़ा हुआ, अप्रोच में लिया और
खा लिया, फिर वापस चौथे में क्या किया, दो बॉक्स रखे और केले थोड़े और हाइट पे रखे, क्लियर। और फिर देखना चाह रहे हैं कि इस बार भी क्या करता है, एक बॉक्स पे खड़ा हुआ नहीं मिले तो बोलो, फिर अंतर्दृष्टि, एक बॉक्स और देखा, बॉक्स में बॉक्स रखा और केलों को अप्रोच में लिया और खा लिया। तो इसीलिए गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के दो नाम और हैं, सूझबूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पर सिद्धांतों के नाम के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक केवल व्यवहारवादियों में जरूरत है, क्योंकि व्यवहारवादियों में क्या होते हैं, नाम बहुत सारे हैं, बोलो बात समझ, जिनको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि 1916 में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट और ये सारी बातें दुनिया के पास कैसे पहुंचे, बोलो तो कॉफ का, जो कि जर्मनी का रहने वाला था, उसने क्या किया 1920 के अंदर, बोलो, किताब लिखी, जिस किताब का नाम रखा गेस्टाल्ट थ्योरी, और ये बुक इस सिद्धांत को क्या कर देता है, पॉपुलर बना देता है, क्लियर। तो इसका मतलब बुक देने वाला कौन, कॉफ का, प्रयोग करने वाला कौन, कोहलर, और सिद्धांत देने वाला कौन, मैक्स वर्दीमान। इसलिए जब भी आता है कि गेस्टाल्ट थ्योरी के सहयोगी कौन है, तो सहयोगी तीनों होंगे, बात समझ में, लेकिन फादर पूछे तो कौन है, मैक्स वर्दीमान। आई होप आपको सिद्धांत समझ में आया होगा, क्लियर। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको नोट कर लेना है, क्लियर। ओके, हो गया ये नोट, बोलो, ठीक है। जो मैंने आपको टू द पॉइंट लिखा वही सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं, क्लियर। ओके, तीनों, चाहे कॉप का हो, कोहलर हो, मैक्स वर्दीमन हो, तीनों जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। कहाँ के रहने वाले, बोलो,
जर्मनी के। ओके हो गया ये नोट, बोलो कहां पर किया एक्सपेरिमेंट, समझ में आया बोलो। ओके ये ऐसे क्या निकाला आपको पता है? अरे बोलो, आपने कभी देखा नहीं कुबड़ और चिपांजी? ये चारों स्टेप आपको क्या बयां कर रही है, समझ में आए बोलो। ठीक है ओके ये नाम दे तो भी वही बात है, बोलो क्लियर। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, स्टिक एक्सपेरिमेंट और बॉक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टोटल स्टेप कितनी बोलो, चार। क्लियर, चार के स्टेप का मतलब समझ में आया बोलो आपको। ये पूछा जाता है कोहलर ने चिंपांजी पर कितनी स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया, चार स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर, हो गया ये नोट बोलो। ठीक है हटा दूं, में किसने बुक लॉन्च की बोलो, कॉप का। बुक का नाम क्या रखा, गेस्टाल्ट थ्योरी। क्लियर, और इस थ्योरी को पॉपुलर किया। ठीक है, इसलिए जब भी सहयोगी बात आएगा, कंट्रीब्यूशन की बात आएगी, तो कंट्रीब्यूशन तीनों का है, मैक्स वर्दीमर का भी है, कॉलर का भी है और कॉप का भी है। क्लियर, और जब जब सहयोगी का क्वेश्चन आया तीनों आंसर जाएंगे। क्लियर, और जनक की बात आएगी तो मैक्स वर्दीमर ही होगा। क्लियर, जनक मतलब पैदा करने वाला, बोलो पैदा करने वाला तो मैक्स वर्दीमर ही है थोड़ी को। क्लियर, और एक बात और जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाए गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मीनिंग समग्रता या पूर्णता होता है। क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो यहां पर, गेस्टाल्ट। ठीक है,
बोलो क्या लिख रहा हूं, बोलो गेस्ट टाल्ड, ठीक है। एक मैंने कहा, बोलो जर्मन वर्ड, ठीक है। बोलो मैंने कहा जर्मन शब्द, ठीक है। बोलो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ मीनिंग, बोलो मैंने कहा समग्रता, ठीक है। और बोलो क्या होता है, पूर्णता, ठीक है, पूर्णांकता, ठीक है, पूर्णांकता, ठीक है। फिर दिमाग में आता, सर ये समग्रता तो वर्ड हमें समझ में आ गया, ये वर्ड कहाँ से आया? क्लियर? तो आपको अभी मैं नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगा उसमें ये वर्ड समझ में आएगा, ठीक है। ये पूछा गया एग्जामों में, बोलो ये वर्ड नहीं देते हैं। समग्रता तो सबको पता चल जाता है क्योंकि गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का नाम ही समग्रता का सिद्धांत है। बोलो ये नाम पूछा जाता है, क्लियर? तो ये कहां से आया पिक्चर में, वो अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो अब हम दूसरी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया कि पांच थ्योरी पढ़ेंगे, क्लियर, और हर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। हटा दूं मैं, बोलो ये बात समझ हो गया नोट सबका? ओके एवरीथिंग। फिर मैंने आपसे कहा नंबर टू क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत। क्या लिख रहा हूं, चिन्ह पूर्णांकर, पूर्णांकर, चिन्ह पूर्णांकर अधिगम का चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत, ठीक है। बोलो मैंने कहा अधिगम, अधिगम का चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं, बोलो साइन, बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। आपको कुछ बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो? अरे समझे नहीं समझे, बोलो? तो ये गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, पूर्णांकर भी होता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है, मैक्स वर्थमर की, लेकिन साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है, टॉलमैन की। किसकी है, टॉलमैन की, जो अलग थ्योरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया था गेस्टाल्ट का वर्ड पूर्णांकता भी होता है, समझ में आया कहां से आया? और यही एग्जाम में पूछते हैं, समग्रता तो सबको पता रहता है, क्लियर। और ये थ्योरी अलग है और वो थ्योरी अलग है। अब इस थ्योरी की कहानी समझो, मेरे कहने का मतलब है सबसे पहला तरीका वही जो अपन सभी थ्योरी को पढ़ते हैं, इधर ध्यान देना 10 मिनट, प्रतिपादक, ठीक है। गिवन बाय, गिवन बाय मैंने कहा टॉलमैन, कौन बोलो, टॉलमैन, ठीक है। बोलो टॉलमैन, टॉलमैन एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, जो कि अमेरिका का है। तो निवासी कहाँ का है, बोलो अमेरिका, क्लियर। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, क्लियर। अच्छा, इन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, जिसका नाम था कॉग्नेटिव मैप इन मैन एंड रेट। क्या लिखा था, बोलो कॉग्नेटिव, कॉग्नेटिव मैप, बोलो आपसे मैं कहूं इन मैन एंड रेट, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर क्या लिखा इन्होंने, मनुष्य और चूहे का मानसिक चित्र। बोलो बात समझ में, कॉग्नेटिव मैप क्या कहना चाहता, वो अभी इसके एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। किसी भी थ्योरी की मेन जान क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट। बोलो बात समझ में आए? तो यहां पर मैं क्या बताऊं, प्रयोग, इन्होंने प्रयोग किस पे किया, चूहे पर, क्लियर, जिसको हम बोलते चूहे का मेज बुलबुलिया प्रयोग,
प्रयोग, बोलो बात समझ में, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। बोलो प्रयोग प्रदर्शन में यहाँ पर करो, प्रयोग कितने दिन किया था, 19 दिन तक, 19 डेज तक प्रयोग किया था। यहाँ पर मैं प्रयोग प्रदर्शन कर रहा हूँ, क्लियर। प्रयोग प्रदर्शन मतलब एक्सपेरिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने क्या किया, तीन ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बोलो आपसे मैं कहूं बी ग्रुप और सी ग्रुप, ध्यान से समझना इसकी थ्योरी को, क्लियर। इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप एक भूल भुलैया ली, क्लियर, ये ली भूल भुलैया, क्लियर। अगेन मैं भूल भुलैया मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, बोलो बात समझ में, ये भूल भुलैया है, क्लियर। इसमें किसको छोड़ा, चूहे को, क्लियर, बोलो चूहे को, बहुत नई बात ये बताने वाला है, क्लियर। ये किसको छोड़ा, चूहे को छोड़ा, क्लियर, जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता चूहे को नहीं पता था। भूल भुलैया का मतलब यही होता, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब क्या देखता है ये, एक ग्रुप के अंदर जब एक भूल भुलैया में चूहे को छोड़ा और यहाँ पर क्या रखा, भोजन, क्लियर। तो बोलो चूहा क्या करता है, मतलब भूल भुलैया के अंदर फटाक से कोशिश करता है और बोलो एन कैन प्रकार रास्ता ढूंढ कर बोलो भोजन के पास पहुंचता है, बोलो बात समझ में। ये इसने एक ग्रुप में देखा, क्लियर। फिर इसने क्या किया, अगेन एक भूल भुलैया ली, क्लियर, बोलो भूल भुलैया ली, क्लियर, जिसमें चूहे को छोड़ा, बोलो चूहे को छोड़ा, और 17 दिन तक कोई स्टिमुलेशन चारों तरफ नहीं रखा, बोलो बात समझ में, ध्यान से समझना। ये प्रयोग, ये थोड़ी अलग है, क्लार्क हल का सिद्धांत अलग है, बोलो बस। क्लार्क हल ने भी चूहे पे प्रयोग किया था, टोलमैन ने भी चूहे पे प्रयोग किया था। क्लार्क हल कुछ और बताना चाह रहा था, टोलमैन कुछ और बताना चाह रहा है, क्लियर। टोलमैन क्या बताना चाह रहा है, वो इसकी तीन एक्सपेरिमेंट आपका इसके बाद पता चलेगा। इसने क्या रखा, यहाँ पर चूहे को छोड़ा भूल भुलैया के अंदर, और मैंने कहा 17 दिन बोलो कोई बोलो उद्दीपन, उद्दीपन मतलब एस मतलब भोजन, ठीक है, बोलो नहीं रखा, क्लियर। तो क्या देखता है टॉलमैन, ये चूहा अंदर ही घूम रहा है, बाहर आ ही नहीं रहा है, बोलो बात समझ में आए। फिर इसने क्या किया, तीसरा ग्रुप, क्लियर, ये फिर तीसरा में क्या किया, अगेन भूल भुलैया, अगेन भूल भुलैया, क्लियर, और फिर किसको छोड़ा, चूहे को, क्लियर। और क्या देखा, 10 दिन तक कोई भोजन स्टिमुलेशन नहीं रखा, बोलो बात समझ में। 10 डेज तक तो उसने क्या किया, कुछ भी बोलो भोजन कहूं अल्टीमेटली स्टिमुलेशन कहूं नहीं रखा, क्लियर, बोलो फर्स्ट, मैंने कहा फर्स्ट 10 डेज, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं भोजन, ठीक है, भोजन मतलब एस नहीं रखा, ठीक है। तो चूहा अंदर इधर उधर घूम रहा है, लेकिन जैसे ही 11वें दिन बोलो भोजन रखा नहीं, न चूहा बाहर निकल गया, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं 11वें दिन, ठीक है, 11वें दिन जैसे ही भोजन रखा, ठीक है, चूहा बाहर आ गया, फटाक से आ गया, क्लियर। अब इससे इसने क्या रिजल्ट निकाला, इन्होंने टॉलमैन ने कहा कि एक्चुअली क्या होता है कि बोलो यहां पर जब चूहे को छोड़ा, क्लियर, तो चूहा बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन इस भूल भुलैया के सारे रास्ते दिमाग में चित्र बना रहा है। क्या बोल रहा है, बना रहा है, बोलो सारा मानचित्र का बना रहा है, इस दिमाग के अंदर कौन बना रहा है, चूहा, क्लियर, बोलो, जिसको हम अव्यक्त लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम, क्लियर, जो सिद्धांत के नाम निकल के आएंगे, बोलो बात समझ में। सारा मानचित्र कहाँ बना रहा है, दिमाग में, और जैसे ही 11वें दिन भोजन रखा, क्योंकि सारा रास्ते उसके दिमाग में थे, बोलो तुरंत बाहर आ गया, बोलो क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया। तो यहां से टॉलमैन एक साइकोलॉजी में नया शब्द दिया जिसका नाम है लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम। टॉलमैन क्या कहना चाह रहा है कि एक क्लास के अंदर टीचर पढ़ाता है, एक बच्चा चुपचाप सब चीज सुनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, बोलो हो सकता है कि सबको समझ में आ रहा है और अगर टीचर पूछेगा तो वो बता
देगा। क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, यहां पर चूहा बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रास्ते नहीं पता है। बोलो वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि बोलो उसको जरूरत नहीं लग रही है। और जैसे ही भोजन रखा तुरंत बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि उसको सारा रस्तों का मानचित्र का बना लिया उसने दिमाग में। इसलिए इस सिद्धांत को हम बोलो कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये सारे सिद्धांत के नाम है, क्लियर? क्या क्या नाम निकल के आया बोलो? लेटेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब इसको मैं हिंदी में बोलूं तो गुप्त अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, कॉग्निटिव मैपिंग ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का मानचित्र सिद्धांत, बोलो ये सिद्धांत के नाम है। कैसे बताया, समझ में आया बोलो? ओके, तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर बोलो अतः, ठीक है, अतः इस थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी से बोलो से टॉलमैन, ठीक है, टॉलमैन ने मैंने कहा लेटेंट बोलो लर्निंग, ठीक है, बोलो यहाँ पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा टॉलमैन ने बोलो बताया कि चूहा ठीक है बी ग्रुप में नहीं निकला, ठीक है, निकला परंतु बोलो उस बोलो भूल भुलैया के सभी ट्रैक बोलो रास्ते बोलो का मानचित्र बोलो दिमाग में बोलो बनाया, ठीक है, बनाया। बोलो बात समझ में, जो व्यक्त था कि अव्यक्त था बोलो? अव्यक्त था बोलो। आपसे बाहर एक्सपोज हो रहा था, लेटेंट था बोलो? लेटेंट था, क्लियर। उसने व्यक्त कब किया? जब बोलो जरूरत पड़ी। बोलो बात समझ में आए बोलो? चौकी निर्माण बोलो आपसे बनाया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो किस रूप में? अव्यक्त, मैंने कहा ए बोलो व्यक्त, ठीक है, अव्यक्त रूप में, क्लियर। अब आपको मैं जो पॉइंट नंबर 6 लिखने जा रहा हूं वो क्या लिखूंगा बोलो? मैंने कहा इस थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी के नाम, ठीक है, बोलो के अन्य नाम, क्लियर। अन्य नाम में क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1 पहला क्या लिखूंगा बोलो? गुप्त अधिगम, ठीक है, गुप्त अधिगम बोलो का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ लेटेंट लर्निंग। गुप्त अधिगम बोलू अव्यक्त, ठीक है, अधिगम का सिद्धांत बोलू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटेंट बोलो लर्निंग, ठीक है। तो ये लेटेंट लर्निंग शब्द बोलो साइकोलॉजी में किसकी देन है बोलो? किसकी देन है बोलो? टॉलमैन की है। किसकी है बोलो? टॉलमैन की, क्लियर। क्या लिख सकता हूं मैं बोलो? कॉग्नेटिव मैपिंग, ठीक है, कॉग्नेटिव मैपिंग ऑफ बोलो आप कॉग्नेटिव मैपिंग थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लियर, ऑफ लर्निंग, क्लियर। मतलब क्या कह सकता हूँ? अधिगम, ठीक है, अधिगम का मैंने कहा अधिगम में मानसिक चित्र का सिद्धांत, ठीक है, बोलो इसी को क्या बोलते हैं? बोलो भूल भुलैया सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? अधिगम का भूल भुलैया। ये जितने भी नाम है कहां से पढ़े समझ में आया बोलो? भूल भुलैया सिद्धांत भी कहते हैं, क्लियर। इसी को बोलो मोलर सिद्धांत, अधिगम का मोलर सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का मोलर सिद्धांत, ठीक है, मोलर सिद्धांत मतलब क्या? मात्रा, ठीक है, बोलो का मोलर सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसी को और क्या कहते हैं? नंबर 7 मैंने कहा इसको प्रत्याशा, ठीक है, अधिगम सिद्धांत, प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉर्डेड, ठीक है, रिवॉर्डेड थ्योरी ऑफ लर्निंग। मतलब क्या कहना चाहता हूँ समझना? ओके, देखो अब बोलो टॉलमैन क्या कहता है? नाम है चिन्ह पूर्णांक सिद्धांत, मतलब जैसे सपोजेड मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको पूछूं राजनीति में मोटा भाई किसको कहते हैं? बोलो अमित शाह। बताया बोलो, इसका मतलब इतने दिन इन्होंने अंदर क्या रखा? लेटेंट अव्यक्त रखा। बोलो इनके माइंड में मोटा भाई का चिन्ह था, और जैसे ही मैंने पूछा तुरंत
बता दिया। क्या नाम है चिन्ह? बोलो साइन गेस्टाल थ्योरी। बोलो बात समझ, चिन्ह पूर्णांकन सिद्धांत मतलब हमारे माइंड में क्या रहते हैं? बोलो चिन्ह रहते हैं। बोलो बात समझ ना, जिसकी वजह से हम जब भी कोई चीज पूछते हैं मैं बोलूं राजनीति में पप्पू किसको कहते हैं। बोलो बात समझ में, मेरे कहने का मतलब ये आपके सबके माइंड में क्या बने? साइन बने हुए। क्या बने? बोलो साइन बने हुए। क्लियर? चिन्ह पूर्णांकन सिद्धांत। बोलो बात समझ, राजस्थान की महारानी किसको कहते हैं? और मेरी तरफ क्या देख रहे हो, किसको कहते हैं बताओ? वसुंधरा राजे को। बिल्कुल, कहते ही नहीं कहते, बोलो। क्लियर? ये उनके लिए क्या बने हुए? बोलो चिन्ह बने हुए लोगों के दिमाग में। बोलो यू नहीं कहेंगे, आप पूछोगे तो बता देंगे। बोलो बात समझ में। अच्छा, इसको समझना, प्रत्याशी यानी रिवार्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। टॉलमैन क्या कहता है कि हम कोई बच्चा है उसको राजा बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा बेटा। क्या कहते हैं? राजा बेटा। बताओ आप, बोलो कुछ साल राजा बेटा कहोगे तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाएगा? समझ में, मैं राजा बेटा हूँ। मैं क्या हूँ? बोलो राजा बेटा हूँ। क्लियर? फिर कहीं पर भी राजा बेटा की बात आएगी वो समझे मेरी बात ही हो रही है। और समझे समझे बोलो रिवॉर्डेड थ्योरी। क्लियर? तो आप अगर किसी को कुछ अच्छा काम करने पर बोलो शाबाशी देते हो, बोलो वेरी गुड बोलते हो, वो भी क्या है? बोलो प्रत्याशा। बोलो बात समझ में, उसका फर्क उस बच्चे के दिमाग में पड़ता है। बोलो बात समझ में, क्या पड़ता है? बोलो, तो इसलिए कोई अगर बोलो छोटा बच्चा या कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा काम करता है तो आपको हमेशा उसको क्या बोलना चाहिए? वेरी गुड। ये रिवॉर्डेड थ्योरी ऑफ लर्निंग का मतलब समझते हो? और रिवार्ड देना, रिवार्ड देने का मतलब समझ में आया? बोलो, तो अगर एग्जाम में, हालांकि ये शब्द ऐसे है जो बहुत टफ बनाना क्वेश्चन तो ही पूछते हैं, क्योंकि पॉपुलर क्या है? बोलो पॉपुलर चिन्ह पूर्णांकन सिद्धांत। क्लियर? पॉपुलर क्या है? बोलो कॉग्निटिव। अच्छा, कॉग्निटिव मैपिंग क्यों पता होना चाहिए? किताब का नाम है, टॉलमैन की किताब का नाम ही क्या है? बोलो कॉग्निटिव मैप। बोलो बात समझ, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सब नाम तो समझ में आया ही। बोलो आपको, और मैंने कहा ये प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत भी टॉलमैन का है, और रिवॉर्डेड थ्योरी मतलब समझ में आया? मैंने कहा राजा बेटा। क्लियर? राजा बेटी। ओके, बोलो बात समझ में। मैंने कहा बोलो वेरी गुड। बोलो बात समझ में, ऐसे कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो आई थिंक इनका भी क्या होता है, दिमाग में पिक्चर बनती है। आप बार बार राजा बेटा को वेरी गुड बोलो, बोलो डेफिनेटली उसके दिमाग में क्या बनती है? पिक्चर बनती है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये स्टोरी मैंने किसकी बताई? बोलो टॉलमैन की। आपको टॉलमैन के सिद्धांत समझ में आया? बोलो ओके नॉट। अच्छा, इन सब सिद्धांत के अंदर दिमाग की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो। और जहां दिमाग की बात हो रही है वो कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब समझ में आ रहा? बोलो, जहां पर किसकी बात होगी? दिमाग की। और उधर किसकी बात हो रही थी? व्यवहार की। बोलो बात समझ ना। ओके, चूहे ने यहाँ जितने भी मानचित्र बनाए थे कॉपी में बनाया कि दिमाग में बनाया? बोलो दिमाग में। बोलो बात समझ ना। ठीक है, फर्स्ट 10 डेज तो देखो, इधर समझो, ये इसका एक्सपेरिमेंट टोटल कितने दिन है? बोलो 19 दिन। तो आपसे मैं कह रहा हूं इसमें 19 दिन तक तो कुछ भी नहीं रखा। बोलो बात समझ में, इसमें क्या हुआ? शुरुआत में भोजन रखा, और इसमें क्या हुआ? बोलो 10 दिन भोजन नहीं रखा, 11वें दिन रखा। तो इसका टोटल तो 19 दिन लगे ना, इसमें 19 दिन लगे। और समझे समझे, मतलब इसने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट जो किया वो 19 दिन किया। 19 दिन में क्या किया? बोलो बोलो, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप में तो क्या किया? चूहा छोड़ा, तुरंत भोजन रख दिया, तो क्या देखा? चूहा भूल भुलैया में से फटाक से बाहर निकल गया। बी ग्रुप में क्या देखा? 19 दिन तक कुछ भी नहीं रखा, तो चूहा बाहर भी नहीं आया। सी ग्रुप में क्या देखा कि 10 दिन तक तो बोलो क्या भोजन नहीं रखा, और जैसे ही 11वें दिन भोजन रखा, चूहा पूंछ हिलाते हुए बाहर आ गया। बोलो बात समझ में। तो फिर उसने अपने रिजल्ट बताया। बोलो बात समझ में क्या क्या बोल रहा? ये वाला अरे वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है,
ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक समझते हो। ओके अरे बच्चा उससे क्या फर्क पड़ेगा, इधर ध्यान देना। पहले बताओ मुझे एक बात बताओ, ए इसको बना दू, बी इसको बना दू, सी, अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो ये कर कौन रहा है? कॉलर। मैं आपको ए बी सी तीन बोल रहा हूँ, उसने तीन बोलो पिंजरे लिए और तीन बुलबुलैया ली, वो तो मैं आपको समझाने के लिए ए बी सी कर रहा हूँ। वापस समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। प्रयोग कौन कर रहा है? टॉलमैन। टॉलमैन ने क्या किया बोलो? तीन बुलबुलैया ली। मैं आपको समझाने के लिए ए बी सी बोल रहा हूँ, अरे समझे समझे बोलो। तीन में क्या किया बोलो उसने? एक बुलबुलैया में क्या किया बोलो? चूहा छोड़ा, तुरंत बाहर भोजन रखा, और क्या देखा बोलो? चूहा जो है रास्ता ढूंढ के फटाक से बाहर आ जाता है। एक में क्या किया बोलो? कि बोलो 11-10 दिन तक तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कोई भोजन नहीं रखा, 11वें दिन रखा, तो 11वें दिन चूहा फटाक से बाहर आ गया। एक में क्या देखा? 19 दिन तक भोजन रखा ही नहीं, और बोलो तो बाहर आया ही नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ। और ए बी सी बोलो समझ गए? ये तो मैं आपको समझा, 1-2-3 कर देता, अरे समझे नहीं समझे बोलो। ये एक्सपेरिमेंट को समझाना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा है। ओके ये पहले, ये बाद में, और ये तीसरा, और तो भी बात तो वही होती ना। पहले लाइफ में भूलभुलैया देखिए, मूवी नहीं बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है। हा? पूरे दुनिया की सबसे अच्छी भूलभुलैया कहां पर है आपको? नेचुरल बनाई हुई कहां पर है? डिज्नीलैंड सिंगापुर, नाम सुना आपने बोलो? ओके। और अगर आपको वैसी राजस्थान में कहीं देखनी है तो नाथद्वारा जाना। नाथद्वारा के अंदर अभी स्टेच्यू ऑफ जो बना है उसके अंदर भी एक गार्डन के अंदर छोटी सी भूलभुलैया बनाई है। क्लियर? ओके किसी और को भी ले जाना बच्चा, एक को बोलना उस कोने से एंटर हो और मैं इधर से होता हूँ, देखते एक दूसरे को ढूंढते हैं और तो ही मजा आएगा, बात समझ ना, वरना तो खुद। अच्छा अच्छा तो चूहा ही अच्छा है, ठीक है। ओके अच्छा तू भी अगर ऐसे 19 दिन अगर रखता ना तो तेरे दिमाग में उस भूलभुलैया का सारे रास्ते दिमाग में फिट हो जाते, तो आधे घंटे में परेशान हो गया। और समझे समझे बोलो। क्लियर? क्या ये कुछ घंटे किया क्या? 19 दिन बोलो, बात समझ ना। भूलभुलैया का मतलब समझ गए ना? इधर से जाते हैं, इधर रास्ता बंद है, वापस आते हैं, नया ढूंढते हैं, और ऐसा ही होता बोलो। क्लियर? ये बुक का नाम है कॉग्निटिव मैप इन मैन एंड रेट। क्लियर? बुक का नाम समझ, अरे अमेरिका का रहने वाला है, किताब का नाम इंग्लिश में ही बताएगा ना बोलो। कॉग्निटिव मैप इन मैन एंड रेट। क्लियर? जूम करूं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इतने बड़े हो गए हो, ऐसी जगह जहां पर कहीं पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, इस गली से जाके उस गली से जाके उस गली से जाके उस गली से जाके उस गली से जाकर, तो आप बताओ जब आप बहुत बार उन गलियों से गुजर जाते हो तो आपके माइंड में उसका क्या बन जाता है? अरे बोलो क्या बन जाती है? पिक्चर। बोलो बात समझ में आई? और फिर आपको कभी जाना होता आप इजिली चले जाते हो। तो ये देखो इसने किताब का नाम कॉग्निटिव मैप मैन एंड रेट, बोलो बात समझ ना।
और मानचित्र बनाते हो तो दिमाग में चिन्ह भी बनाते नहीं बनाते हो। उस गली में फिर राइट हैंड साइड एक डेयरी आएगी, फिर डेयरी से मुझे लेफ्ट घूम जाना, और ये डेयरी क्या है? साइन चिन्ह जो हमें उस रास्ते तक पहुंचाएंगे। बोलो, समझ में आ रहा? बोलो। यह है इस थ्योरी से टोलबेन ने बताया कि चूहा, बोलो, बी ग्रुप में नहीं, बोलो, आप समय को निकला। अब ये अगर इधर कर देता तो सी ग्रुप में नहीं निकला। अरे समझे समझे, बोलो, वो तो दिमाग लगाना है। बी ग्रुप में नहीं निकला, परंतु बोलो उस भूल भुलैया के सभी रास्तों का मानचित्र दिमाग में बनाया। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं? अव्यक्त अधिगम। क्या बोलते हैं इसको? अव्यक्त अधिगम। ठीक है, अव्यक्त अधिगम मतलब क्या बोलते हैं? बोलो, लेटेंट लर्निंग। ठीक है, पहले बताओ ये लाइन लिखी वो समझ में आया? बोलो, आपको आया समझ? बोलो ये। ठीक है, पढ़ तू मैं? बोलो। अते इस थ्योरी से टॉलमैन ने बताया कि चूहा बी ग्रुप में नहीं निकला। क्लियर? बोलो, बी ग्रुप में नहीं निकला, परंतु उस भूल भुलैया के सभी रास्तों का मानचित्र बोलो दिमाग में, ब्रेन में, मस्तिष्क में बनाया। तो इसका मतलब, इसका क्या किया था उसने? बोलो, अव्यक्त लर्निंग। क्लियर? और व्यक्त कब किया? बोलो, जैसे ही स्टिमुलस रखा। ओके? और नहीं रखा तो बोलो सो ही नहीं किया। ओके? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो, आया समझ में ये? बोलो, हो गया ये नोट? पहले बताओ ये शब्द समझ में आया कि नहीं आया? ये शब्द देने वाला कौन? टॉलमैन। क्या? लेटेंट लर्निंग। ओके? क्लियर? इनमें से कुछ भी पूछे, आंसर क्या होगा? बोलो, टॉलमैन। ठीक है, मोलर थ्योरी। ठीक है, ये तो समझ गए। बोलो, आपका और भूल भुलैया पेपर पे भी होती है, और जिसमें बाहर निकलना होता है रास्ते का। बोलो, होती कि नहीं होती? बोलो, क्लियर? अच्छा, दिमाग लगाना पड़ता है कि यूं ही फटाक से निकल जाते? बोलो, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम दे, आंसर टॉलमैन ही है। ठीक है, दो थ्योरी समझ में आई? बोलो, आपको। एक हमने पढ़ा गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, एक पढ़ा साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? एक टॉलमैन की है और एक मैक्स वर्दीमर की है। ठीक है, ये तो इन दोनों का नाम यही है। क्लियर? बात समझ ना? ओके। और रिवॉर्डेड थ्योरी ऑफ लर्निंग कभी पूछे तो भी टॉलमैन की है। रिवॉर्डेड मतलब समझ गए, राजा बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, इस तरह से। और चिन्ह पूर्णांकर का मतलब समझ गए? बोलो, मोटा भाई। ठीक है, ऐसे। ओके, बात समझ में आई? बोलो, आपको।